नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जो आपके चेहरे को एकदम गोरा, चमकदार और सुंदर बना देगा। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि काले रंग के व्यक्ति अपनी त्वचा को गोरा करने के लिए पार्लर और महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं, जो गोरा करने की बजाय काला करने का कार्य करते हैं। सच माने तो अपने रंग को निखारने के लिए घरेलू प्रयोग का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे घर और रसोई घर में कई ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपनी रंगत में फर्क ला सकती हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आजकल की व्यस्त दिनचर्या में इस तरह के उपायों का प्रयोग करने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये ऐसे उपाय हैं जिनसे आप आसानी से कम समय में काली से गोरी त्वचा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं काली से गोरे होने के घरेलू उपाय के बारे में। हमारे द्वारा बताए गए उपायों से आप पूरी तरह से गोरे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक निखरी त्वचा अवश्य पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्या है वो नुस्खा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है वो है दोस्तों फेयर लवली क्रीम, जो कि दोस्तों एक मल्टी विटामिन क्रीम है। देखिए दोस्तों हम इसमें आधा चम्मच के अलावा फेयर लवली क्रीम ऐड करेंगे। दोस्तों फिर इसके बाद हम आधा कटा हुआ नींबू लेंगे और हम पूरा इसमें निचोड़ देंगे। दोस्तों नींबू के रस में भरपूर मात्रा में अम्ल और प्राकृतिक शुगर होता है। नींबू के रस में कई फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा व शरीर को कई लाभ देते हैं। इसको हम बाहरी सुंदरता के साथ साथ कई शारीरिक फायदों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के प्राकृतिक अम्ल बहुत ही सरल तरीके से मृत कोशिकाओं को निकालते हैं, उम्र के साथ होने वाली झुर्रियों को कम करता है, अनचाहे धब्बों को कम करता है और चेहरे की अंदर से सफाई करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन होता है। इसमें मौजूद अम्ल तेल को सोख लेता है तथा छिद्रों को बंद कर देता है। अब इसके बाद हम अगली चीज लेंगे वो है दोस्तों चीनी। हम इसमें आधा चम्मच के अलावा चीनी ऐड करेंगे। दोस्तों चीनी हमारे चेहरे पर स्क्रबिंग का काम करती है, जिससे हमारे चेहरे की जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सारी बाहर निकल आती है और हमारे चेहरा काफी ज्यादा गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगता है। साथ ही साथ हमारे चेहरे की जितनी भी दाग धब्बे, पिंपल्स और झुर्रियां हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों हम तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। अब इसे जो लगाने का तरीका वो ये है, आप इस तरीके से अपनी उंगलियों पर लेकर इस तरीके से अपने फेस पर स्क्रब करें। दोस्तों इसी तरीके से आपको कम से कम 10 मिनट अपने चेहरे पर स्क्रब करना है। दोस्तों 10 मिनट आपको सूखा कपड़ा लेना है और इस तरीके से इसे पोंछ कर साफ कर देना है। देखिए दोस्तों ये मेरे हाथ पर कितना ग्लो आया है। आप इस नुस्खे को हफ्ते में 3 बार करें। 3 बार के इस्तेमाल से आपका चेहरा काफी ज्यादा गोरा, चमकदार और सुंदर दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगी अच्छा सा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।